ॐ श्रुतिश्रुतकर्णवह्निभिः देवैः अग्नेशयावभिः आसीदन्तु बर्हिषि मित्रो अर्यमा प्रातः यावाणो अध्वरम्। मंत्रार्थ: श्रुतकर्ण हे श्रवणशील कर्णयुक्त, अग्ने हे अग्नि प्रगतिशील, वह्निभिः वहन करने वाले, शयावभिः सहचर साथ चलने वाले, देवैहि प्रकाशमानों के साथ श्रुधि सुनिए, बर्हिषि प्रकृति वृद्धिशील वृद्धिकर्ता आच्छादन में, मित्रो मित्र अर्यमा प्रगति, प्रातः यावाणो प्रातः चलने प्राप्त करने वाले, अध्वरम अहिंसक को, आ समन्तात् सम्यक सीदन्तु प्रतिष्ठित करें। भावार्थ: शयावभिः पद का अर्थ शयावभिः का पद का अर्थ सगामी तथा संधि विग्रह करने वाला हो सकता है। इसमें या धातु मानकर इसका अर्थ साथ चलने वाले किया गया है। यू धातु मानने पर इसका अर्थ मिलाना तथा अलग करना भी हो सकता है। बृह धातु का अर्थ बढ़ना शब्द करना, ब्री धातु का अर्थ आवरण करना ढकना वरण करना होता है। बरिषि पद का अर्थ सामान्यतः आच्छादन लेकर उसका भावार्थ गृह या सभा मंडप किया गया है। इस अर्थों को समाहित करते हुए बरिषि पद का अर्थ वृद्धि की चर्चा करने वाला सभागृह मानना उचित है। अर्यमा पद का अर्थ री धातु के अनुसार अर्थ गति ज्ञान प्राप्ति करने वाला होगा। प्रातर्यावाण का अर्थ भी या धातु मानकर प्रातः ज्ञान गति प्राप्ति करने वाले तथा यु धातु मानकर संधि विग्रह करने वाले हो सकता है। अध्वरम अर्थात अहिंसक भावना को ध्यान में रखते हुए सभी तर्क संगत अर्थ ग्राह्य हैं। विशेष: सुतकर्ण सुनने वाले कर्ण अथवा सुने हुए को कर्णगत करने वाले। श्रु धातु का अर्थ सुनना है तथा कर्ण धातु का अर्थ सुनना दूर ले जाना भेदना छेदना परित्याग करना है। इस प्रकार जो लोग श्रुत या श्रुति को कर्ण करते हैं अर्थात सुनते हैं, उसे भेदते हैं अर्थात उसे गहनता से समझते हैं, चिंतन मनन कर आत्मसात करते हैं तथा उस ज्ञान को दूर तक ले जाते हैं, समाज के लिए त्याग भावना से सबको वितरित करते हैं, वे विद्वान श्रुतकर्ण हैं। धातुवादी निरुक्त: श्रुतकर्ण श्रु सुनना, कर्ण सुनना दूर ले जाना वेदना छेदना, अग्ने अग जाना अग्रणी होना गति करना, वह्निभिः वह वहन करना ले जाना, शयावभिः स उपसर्ग या जाना, देवैः दिव प्रकाश करना स्तुति करना आनंद करना प्रीति करना, श्रुधि श्रु सुनना, बर्हिषि बर्ह श्रेष्ठ होना प्रधान होना प्रयास करना, ब्रीहि वृद्धि होना शब्द करना, मित्रो मिद प्रीति करना, अर्यमा रि गति करना व्याप्त होना हिंसा करना, प्रातः अव्यय यावाणो या जाना, अध्वरम अ उपसर्ग ध्रुवि हिंसा करना, आ उपसर्ग सीदंतु सीध बैठना। ओम खम्रम। जो भी इस वेद कक्षा के संचालक हैं तकनीकी रूप से पोस्ट या जो भी कहा जाता हो, इतना ध्यान रखें कि कोई भी पाठ आदि कर रहे हो हम या कोई नहीं,
बीच में किसी का माइक भूल चूक बस भी सक्रिय हो जाए तो उसे बंद कर दें, ये आपका दायित्व तो है, इसमें किसी संकोच की आवश्यकता नहीं है, भूल चूक से हो सकता है, क्योंकि जानबूझकर कोई नहीं करेगा, सभी लोग परिपक्व समझदार हैं। तो आइए यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 15 ओम श्रुधि श्रुत्कर्ण वहने भी देवै अग्ने सयावभि आसीदन्तु बर्हिषि मित्रो अर्यमा प्रातः यावाणो अध्वरम्। श्रुधि सुनो, यह क्रियापद है, श्रु धातु का अर्थ सुनना, श्रुधि सुनो, श्रुतकर्ण ये श्रुतकर्ण अर्थात श्रवणशील कर्ण वाले, हम वेदवाणी का श्रवण करें, यही भाव है श्रुतकर्ण होने का, यह एक प्रकार का सम्मानजनक संबोधन है। हे श्रुतकर्ण, हे वेदवाणी को सुनने वाले कर्णयुक्त महोदय, जो वेदवाणी को श्रद्धा सम्मान के साथ सुनता है, श्रवण करता है, आत्मसात करता है, उसे श्रुतकर्ण कहते हैं। यहां यह बात तो स्मरणीय है, ध्यान देने योग्य है कि वेद को श्रुति कहा जाता है, श्रुति परंपरा से सुनने और सुनाने की परंपरा से वेद को अब तक सुरक्षित संरक्षित रखा गया है। यह बात भी ठीक है कि अति प्राचीन काल में लेखन आदि की उतनी अच्छी व्यवस्थाएं सुविधाएं नहीं थी, तब मिट्टी की पट्टियों पर या वृक्षों के पत्रों पर विशेष रूप से धीरे धीरे लोगों ने अनुभव किया कि भोजपत्र ताल पत्र पर लिखना अधिक उपयोगी है, तो इनका उपयोग लेखन के लिए विशेष रूप से होने लगा। तो आप कल्पना करें कि उस समय वेद मंत्रों को अथवा किसी भी बात को लिखना, लिखकर सुरक्षित रखना, उसे पढ़ना कितना कठिन कार्य रहा होगा। बहुत थोड़े लोगों के पास इस प्रकार से लिखी गई सामग्री अथवा कह लें पुस्तक होती होगी। अधिकांश लोग तो सुनकर ही विद्या प्राप्त करते थे, वेद मंत्र भी सुनकर ही सीखे जाते थे, अतः इसको श्रुति कहा गया और यह एक पवित्र परंपरा बन गई। लेखन का पर्याप्त विकास हो जाने के पश्चात भी वेद को श्रुति परंपरा से आज भी संरक्षित रखा जा रहा है, यह हमारे लिए प्रशंसनीय बात भी है कि बहुत से परिवार हैं जो श्रुति परंपरा से वेद को अक्षरशः सुरक्षित रखे हुए हैं। हो सकता है लेखन मुद्रण प्रकाशन में हमसे कोई चूक हो जाए तो उसका मूल स्वरूप उनके श्रुति परंपरा में सुरक्षित है, छपी हुई पुस्तक में भूल चूक हो सकती है, उनके पाठ करने में कोई भूल चूक नहीं। यह हमारे लिए गर्व का विषय भी है। तो इस संदर्भ को जानना इसलिए आवश्यक था कि श्रुतकर्ण शब्द को, इसकी गरिमा को, महत्ता को हम समझ सकें। इसके बिना ये श्रुतकर्ण के गंभीरता को, गरिमा को नहीं समझा जा सकता था। श्रुतकर्ण क्यों कहा गया? बहुत अधिक सम्मानित शब्द है
कहा गया है, हे महोदय आप श्रुत कर्ण हैं, आपके कानों ने वेद मंत्रों को गंभीरता से सुना है, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है, बहुत ही सम्मानजनक संबोधन दिया जा रहा है, हे श्रुत कर्ण, वेद मंत्रों को सुनने वाले कान जिसके पास हैं, वो श्रुत कर्ण। तो कह रहे हे श्रुत कर्ण आप सुनिए, वैनिभि बहन करने वाले द्वारा, बहुवचन में बहन करने वालों के साथ, वह धातु का अर्थ है वहन करना, जो वहन करते हैं वे वहनी और भी तृतीया बहुवचन की विभक्ति है, तो बहन करने वालों द्वारा बहुवचन में, श्रुत कर्ण एक वचन में है, किसी महान व्यक्ति को विद्वान को संबोधित कर रहे हैं, यदि इसका आध्यात्मिक अर्थ में परमेश्वर अर्थ करना चाहे तो श्रुत कर्ण का अर्थ हमें ये करना होगा कि जो हमारे कानों में वेद मंत्र सुनाता, उसके कान नहीं है जो सुनेगा, वो हमारे कानों में सुना सकता, उसकी कृपा से हमें ऐसा समाज ऐसी व्यवस्था प्राप्त होती है जहां ऐसे विद्वान गुरुजन आचार्य हमें प्राप्त होते हैं जो हमारे कानों में वेद मंत्र सुनाते हैं, ऐसा परमेश्वर अर्थ कर सकेंगे, आध्यात्मिक अर्थ में परमेश्वर को संबोधित करेंगे। तो वन्य भी देवई देवों द्वारा, यह देव का तृतीया बहुवचन है, देवों द्वारा देवों के साथ, वन्य भी बहन करने वालों द्वारा बहन करने वालों के साथ, तो कह सकते हैं वन्य अर्थात बहन करने वाले, ये इस देव का विशेषण है, हम किन देवजनों के साथ हैं जो वहन करने वाले हैं, क्या वहन करने वाले हैं, अभी तो श्रुतकर्ण कहा गया है अर्थात इस श्रुति को वेद को वहन करने वाले, अभी तो इतना ही है, आगे मंत्र में और कुछ कहा जाएगा तो उसको भी हम समझेंगे, उसके अनुसार अर्थ करेंगे, क्रमशः शब्द सा अर्थ करने का समझने का हम प्रयास करें, अभी शेष मंत्र हम नहीं जाने, यहां से भी हम क्रमशः चल रहे हैं। वन्य भी देव है, वहन करने वाले देवों के साथ, अग्नि हे अग्नि हे अग्रणी प्रगतिशील, ये श्रुत कर्ण इस अग्नि का विशेषण है, श्रुत कर्ण भी संबोधन कारक एक वचन है, अग्नि भी संबोधन कारक एक वचन है, इसलिए अग्नि का विशेषण श्रुत कर्ण होगा। हे कानों से वेद विद्या का श्रवण करने वाले सुनने वाले अग्नि अग्रणी प्रगतिशील महोदय, फिर आया है सयावभिः, यह भी तृतीया बहुवचन है, तो इसको हमें वन्य भी देवई के साथ पढ़ना होगा, अर्थात देव को यदि हम विशेष मुख्य शब्द मानते हैं तो वन्य भी देवई का विशेषण और सयावभिः भी देवई का विशेषण होगा। सयावभिः सा सहित साथ उपसर्ग अलग कर लें, अब या बचा, या वही, अब याव है भी तो तृतीया बहुवचन का विभक्ति है, स्पष्ट है भी, हमारे पास शेष रहा याव, या धातु भी है, यू धातु भी है, दोनों से बन सकता है, या धातु का अर्थ जाना चलना गति करना, यू धातु का अर्थ मिलाना अलग करना, जो साथ में गति करने वाले हैं उनके साथ,
जो हमको मिलाने वाले हैं उनके साथ, जो दोषों दुर्गुणों को अलग करने वाले हैं उनके साथ, ऐसे देवों के साथ जो वहन करने वाले हैं, वेद विद्या का वहन करने वाले हैं, हमारा वहन करने वाले हैं, और इस प्रकार से साथ चलने वाले हैं, हमको साथ में मिलाने वाले हैं, वेद विद्या से युक्त करने मिलाने वाले हैं और दोषों दुर्गुणों से अलग करने वाले हैं, ऐसे देवों के साथ सुनो। हे श्रुत कर्ण अग्नि, हे कानों से वेद विद्या को सुनने वाले अग्रणी, आप बहन करने वाले, साथ चलने वाले, साथ मिलाने वाले, दोषों दुर्गुणों को अलग करने वाले देवों के साथ सुने। जो हम कह रहे हैं वो सुने, इस वेद वाणी को सुने और हमारी बात को सुने, हमारी कोई याचना प्रार्थना आवश्यकता हो सकती है वह भी सुने, क्योंकि आप समाज के अग्रणी हैं। अग्नि यहाँ परमेश्वर का संबोधन तो हो ही सकता है, जैसा कि हम निवेदन करते हैं विशुद्ध आध्यात्मिक अर्थ में तो परमेश्वर ही है, और उसकी व्यवहारिक प्रेरणा में उस परमेश्वर के उपासक समाज के दिव्य अग्रणी जन देव जन भी हैं, जिन्हें हम अग्नि संबोधन कर सकते हैं। तो आगे कहते हैं आसीदं, आइए सम्यक समांत समंतात रूप से सीदंतु बैठें प्रतिष्ठित। पहले भी श्रुति क्रिया सबसे पहले आ गई थी, सुनो, महामुख बात थी सुनो, अब कह रहे हैं आसीदंतु बैठें, आइए बैठिए। हमने कुछ कहना था सुनो, उन्होंने सुना तो हमने क्या कहा, आइए बैठिए बात करते हैं। आसीदंतु, आइए बैठिए, बरहिषि इस वृद्धि में, ब्रह धातु है वृद्धि करना, बरहिषि वृद्धि में, बड़े में, ऐसा भी कह सकते हैं कि हम अपने विशाल हृदय में आपको प्रतिष्ठित कर रहे हैं, इस विशाल सभागार में हम विद्वानों को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। बरहिषि मित्रो मित्राह मित्र, मित्राह ही विसर्ग का हो जाता है, इसे संधि के नियम कह लें या स्वाभाविक रूप से कह लें कि विसर्ग और ओ समान अर्थ में आते हैं, ऐसे समझ लें। तो मित्राह या मित्रो एक ही बात है, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक एक वचन, तो मित्र अर्थात मित्र, अर्यमा अर्थात अर्य, गति प्रगति विद्या, चूंकि गतिशीलता में जानना और प्राप्ति का अर्थ भी होता है, तो हम इसे विद्या और प्राप्ति भी कह सकते हैं। अर्यमा में, अर्यमा वेद में महत्वपूर्ण शब्द है, पद है, बौधा आता है, बहुत सम्मानजनक अर्थ में आता है, परमेश्वर को अरिमा नाम से भी कहा जाता है, अर्थात यह एक सम्मानजनक गुणवाची संबोधन है परमेश्वर के लिए और समाज के अग्रणी देवजन के लिए। तो इसका उत्तम अर्थ हम करेंगे, अरिमा प्रगतिशील, प्रातः यावाणो, प्रातः काल यावाणो, गति करने वाले, चलने वाले, जो प्रातः भ्रमण करते हैं, विचरण करते हैं वे, और यहां भी जैसे ऊपर सयाव भी था, याव भी ही, तो या धातु गतिशीलता के साथ साथ यु धातु मिलाना अलग करना का अर्थ भी ग्रहण किया था, वैसे ही यावाणों में भी याव है, तो यहां भी या गति का अर्थ भी है और यु
मिलाना अलग करना धातु से भी अर्थ कर सकते हैं। या वाणो गति करने वाले, विसरण करने वाले और मिलाने अलग करने वाले। अध्वरम अध्वर को, आ उपसर्ग है निषेध अर्थ में, नकार के अर्थ में, और ध्वर धातु का अर्थ है हिंसा करना, अध्वर का अर्थ है अहिंसक। अध्वरम अहिंसक को, तो बरहिसी अध्वरम, इस महान इस विशाल अहिंसक को आसीदंतु प्रतिष्ठित करो। इसको जो हमारा मित्र है, अर्यमा है, प्रातः यावाणा, प्रातः विचरण करने वाले, हमको वेद विद्या से, सद्गुणों से, सज्जनों से मिलाने वाले और दोषों दुर्गुणों को अलग करने वाले हैं, ऐसे अहिंसक लोगों को इस बरहिसी विशाल समाज में प्रतिष्ठित करो। यह अर्थ इसका हम ग्रहण कर सकते हैं, इस उत्तम संदेश को हम ग्रहण करें। हम अपने बात को यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोग जो भी प्रश्न विचार रखना चाहें रख सकते हैं। ओम खम। हाँ भाई पुलकित, प्रश्न नहीं है तो पाठ कर लो, तब तक कोई प्रश्न आएगा तो ठीक है, अन्यथा समापन करेंगे। स्वामी जी, ये अध्वरम शब्द का अर्थ एक से अधिक भी होता है क्या? अध्वरम शब्द का अर्थ अहिंसक है, यह एक वचन में है, बहुवचन में होगा तो अध्वराणी हो सकता है, अध्वरा हो सकता है, विभिन्न कारकों विभक्तियों में अन्य प्रयोग हो सकते हैं, अधुरे भी या अन्य प्रकार से, तो अध्वरम तो एक वचन में ही है। नहीं स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसका जो अर्थ है, जैसे कि हिंसा न करने वाला अहिंसक, तो कई जगह मैंने पढ़ा कि इसका अर्थ होता है यज्ञ। या जहां हिंसा न हो उस यज्ञ को अहिंसक या अध्वर कह सकते हैं। ये कहा कि भाई हम अध्वर यजन कर रहे हैं, यहां कोई हिंसा नहीं होगी, अध्वर का अर्थ यजन नहीं हो सकता, अध्वर का अर्थ तो अहिंसक ही होता है, और यजन हमारा अहिंसक है, ये घोषणा कर रहे हैं कि हम ये जो यजन कर रहे हैं ये अध्वर है अर्थात अहिंसक है, यहां कोई हिंसा नहीं होगी, कोई पशुबल नहीं दी जाएगी, यानी कोई भी मानसिक वाचिक हिंसा नहीं होगी, किसी की कोई निंदा नहीं होगी, कुछ भी ऐसा कार्य नहीं होगा जिसे हिंसा की श्रेणी में रखा जा सके, तो ऐसे यजन को अध्वर कहा जा सकता है। अध्वर शब्द का अर्थ अहिंसक है, यजन नहीं है, यह स्पष्ट है। ओ बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज। हाँ भाई कोमल, कुछ बोलना है? नहीं गुरुजी। चलिए कुछ मुझे ध्यान आया, मैं बता देता हूँ। अभी हमने वेदार्थ प्रकाश पुस्तक की चर्चा की है, आप लोगों को सूचना दी है, यहाँ से हमारे कार्य का विराम भी है, बहुत समय से मन में था, मुझे नहीं लगता था हो पाएगा, ईश्वरी कृपा से हो गया। तो हम ये निवेदन करेंगे आप सबसे कि यदि संभव हो तो वेदायन और वेदार्थ प्रकाश दो पुस्तकें आपके पास अवश्य होनी चाहिए। वेदार्थ प्रकाश में
वेद वेदांग उपांग उपवेद आदि आदि जो कुछ भी हो सकता है, शाखा प्रतिशाख कह सकते हैं, वेद से संबंधित जो भी साहित्य जो भी जानकारी है वो सब इसमें दे दिया गया है। वेद का अर्थ कैसे करना है आदि संपूर्ण जानकारी इस पुस्तक में प्रयास किया गया है कि संक्षेप में रख दें। हमने भूमिका में उल्लेख भी किया है, इस वेद कक्षा में आप लोगों में से ही कुछ प्रश्न आए थे कि ये जो बीच बीच में आप बताते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं वैदिक भाषा के विषय में, अन्य विषयों में जो मंत्र का अर्थ करने में उपयोगी होता है, कुछ आपके प्रश्नों के उत्तर में, कुछ मंत्र की व्याख्या के संदर्भ में, तो कुछ साथियों ने कहा था कि ये कहीं लिखा हुआ हो, तो उस समय तो हमने कह दिया था कि हाँ भूमिका में कुछ बातें जोड़ी जा सकती हैं। तो धीरे धीरे ऐसी और भी बातों को एकत्र करके एक ये महत्वपूर्ण पुस्तक कह सकते हैं, बहुत गंभीर जानकारी इसमें वेद और वेदार्थ के संदर्भ में संकलित हो गई है। तो मेरे विचार से यदि वेदायन और वेदार्थ दो पुस्तक आपके पास है तो कह सकते हैं वेद से आप प्रारंभिक परिचय पर्याप्त हो गया है, और शेष भाई अधिक से अधिक जिसके पास है वो तो अच्छी बात है ही। तो ये हम आग्रह निवेदन कर सकते हैं कि जिनके लिए संभव हो वो वेदायन और वेदार्थ प्रकाश ये दो पुस्तकें मंगा ले। वेदायन बहुतों के पास है तो उनको यही पुस्तक मंगानी होगी, और जिनके पास वेदायन भी नहीं है तो यदि हो सके तो मंगा लें, किसी कारण से ना मंगा सके तो कोई बात नहीं, वेद कक्षा चलती रहेगी, कुछ ना कुछ तो जानकारी इससे मिलती ही रहती है। तो यदि समर्थ है हो सके तो गौरव जी से संपर्क करके वेदायन और वेदांत प्रकाश सबके पास हो ऐसा मुझे लगता है उपयोगी होगा, यदि हो सके तो शेष जैसी जिसकी परिस्थिति भावना हो कर सकते हैं, और किसी का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, अन्यथा पुलकित जी समापन कर सकते हैं। समय तो देखते हुए गुरु जी दो तक को टोटल। हाँ भाई कोमल जी को हम नहीं सुन पाए, हरी जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोलिए हरी जी बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी नमस्ते जी। नमस्ते बोलिए बोलिए। हाँ अभी जो अध्वर शब्द आया है, अध्वर्यु अध्वर्यु के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि यज्ञ में एक अध्वर्यु का पद होता है, जब हम यज्ञ की कोई व्यवस्था करते हैं तो उसमें एक स्थान अध्वर्यु का माना गया है, तो अध्वर्यु के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए जो हमारा विषय है हम इतना ही कह सकते हैं, अध्वर का अर्थ अहिंसक है, अध्वर का दायित्व यदि किसी विशेष व्यक्ति को दिया गया है तो उसका आशय यही होगा कि वह इस बात का ध्यान रखे कि यहां पर कोई हिंसा किसी प्रकार की न हो, मनसा वाचा कर्मणा। मान लीजिए किसी की हत्या तो नहीं की गई परंतु परस्पर निंदा करते हुए कुछ प्रकार के वाद विवाद हो तो वह भी एक प्रकार की हिंसा है, तो कह सकते हैं उस आचार्य का ये दायित्व हो जाता है कि यहां पर किसी प्रकार की कोई हिंसा की प्रवृत्ति न दिखाई पड़े, तो इस पर वो अपनी दृष्टि रखे, यदि कहीं ऐसा कुछ हो तो उसे वहीं नियंत्रित करे। मेरे विचार से उसका भाव यही हो सकता है। शेष भाई जिसकी जैसी भावना हो, जो समझना चाहे समझे, मेरे विचार से तो यही भाव होगा। जी आपका माइक ऑन है जी। हरी जी का माइक ऑन है ऐसा लगा, वो कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन हम सुन नहीं पा रहे थे, जो भी हो
अभी कोमल जी ने एक प्रश्न लिखा था, यदि मैं कुछ समझ पाया हूं कि दोनों पुस्तकों का मूल्य कितना है, तो दोनों पुस्तकों का मुद्रित मूल्य तो 1,000 रुपये होगा, और उन्होंने कुरियर आदि की बात की थी। सभी लोग जानते हैं कि मुद्रित मूल्य के अतिरिक्त तो हम कुछ लेते ही नहीं, इतना तो हमने मान के चला है कि मुद्रित मूल्य में डाक खर्च सम्मिलित है, डाक खर्च, पैकिंग खर्च या जो भी समझे वो सब उसी में सम्मिलित है। पुस्तक सूची आप सबके पास है, तो उससे देख लें। मूल्यवाद की चर्चा यहाँ करना उतना उचित नहीं होता, गौरव जी से संपर्क करें, व्यक्तिगत रूप से कहें, पुस्तक सूची तो हम लोग देते ही रहते हैं, समूह में दे देंगे, और उसमें ये मूल्य आदि देख सकते हैं। बाकी जो संभव होगा बच्चों के लिए वो किया जा सकता है ना, जो भी संभव हो ध्यान रखें। तो समय हो गया है, पुलकित जी देख लें, किसी का कोई प्रश्न हो तो वो ले सकते हैं, अन्यथा समापन किया जाए। तो जी ठीक है, तो समापन ही करते हैं। ओम योऽसौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौ अहम्। ओम खं ब्रह्म सभी को नमस्ते। यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म सभी को सादर नमस्ते। ओम योऽसौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौ अहम्। ओम खं ब्रह्म सबको सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म सभी को सादर नमस्ते। अभी लोग जाने लगे हैं, वेद कक्षा वालों को ये कह दो कि जैसे वेदायन या ये जो इस समय चल रहा है यजुर्वेद एकादशी, इन दोनों में से जो पुस्तक न हो वो मंगा लें। हम प्रयास करेंगे कि ये वेदांत प्रकाश साथ में दे दिया जाए। कह सकते हैं वेद कक्षा के साथियों को इतनी छूट सुविधा देने का प्रयास किया जाएगा, तो ये अपना समझें और लोगों को भी यथासंभव सूचित कर सकते हैं। हाँ, वो वेद कक्षा ग्रंथ समूह में दिया जा सकता है। तो ठीक है, अब वो समापन ही है। तो कल सायंकाल 7:30 बजे हम लोग इस वेद कक्षा में पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म।